हेलो ऑल वेलकम टू माय चैनल जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है डी का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज की पे अलग डेटा बेस लैंग्वेजेस पे अलग नॉर्मलाइजेशन पे अलग फंडामेंटल पे अलग उसी तरह से मैं डी के स्कूल के क्वेरीज के अलग सारे के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ और ऑलरेडी मैं आर्ट सेट प्रैक्टिस के सेट बना के दे दिया हूँ तो डी में मैं टोटल 350 क्वेश्चन अराउंड बनाया हूँ तो 350 फिफ्टी क्वेश्चन सफिशियंट इनफ होता है किसी भी एग्ज़ाम में ये कंप्यूटर साइंस वाला पी और प्लस टू जो भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सारे के लिए सफ़िशियट इनफ है स्पेशली बिहार के लिए मैंने आपको रिसर्च करके जो बिहार का जो मॉडल पेपर था उसी को फॉलो करते हुए मैं इसको आप बनाया हूँ आप लोगों के लिए तो इससे इससे बाहर डी बी का क्वेश्चन नहीं हो सकता है मैं गारंटी के साथ बता सकता हूँ आपको इससे बाहर का नहीं हो सकता है तो लेट्स गो स्टार्ट एंड हेयर लर्न फ्रॉम द कंसेप्ट तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन गलत है तो प्लीज राइट इन कमेंट सो दैट आई कैन चेक इट ओके नेक्स्ट तो विच विच की तो अभी हम लोग की पे बात करें ना की पे तो विच की इज यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन द टेबल यूज टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल तो कौन सा कीक होता है सुपर की प्राइमरी की फॉरिन की और कैंडिडेट की तो यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड विद इन द टेबल एंड यूज़ टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन दैम तो अब सी बात है कौन होता है प्राइमरी की प्राइमरी की क्या करता है आइडेंटिफाई करता है यूनिकली रिकॉर्ड को और स्टेबलिश द रिलेशन बिटवीन द दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाता है प्राइमरी की ठीक है और ये नल भी नहीं होता है प्राइमरी की ठीक है नेक्स्ट अभी पूरा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन की पे ही है इसलिए नो एक्सप्लेनेशन जस्ट लर्न द क्वेश्चन एंड गो थ्रू दैट सुपर की इज यूज टू एट्रीब्यूट सुपर की भी यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड करता है बट इट इज अ वन और मोर कम्बिनेशन ऑफ द की होता है तो सुपर की इज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट पार्सली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड और यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड नो यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड होता है ये भी यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड करता है प्राइमरी कीज़ ऑफ द टेबल कैन बी नल नो कैन नॉट बी नल ठीक है मस्ट बी यूनिक यस मस्ट बी यूनिक ऑप्शनल नो कैन बी अ डुप्लीकेटेड तो मस्ट बी मस्ट बी यूनिक एंड कैनॉट बी डुप्लीकेट कैंडिडेट की इज अ मिनिमल सुपर की मीनिंग एट कैंडिडेट की जो मिनिमल सुपर की हैज द लोफेस्ट एट्रीब्यूट नो हैज नो डुप्लीकेट भी जो कैंडिडेट की जो मिनिमल सुपर की को बोलते हैं इसका ये मतलब है देर इज नो डुप्लीकेट वैल्यूज डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता है कैंडिडेट की में जो भी कैंडिडेट की बनेगा वो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होगा ठीक है एन एन एट्रीब्यूट दैट इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की बट इज द नॉट अ प्राइमरी की इज नोन एज ट्रिब्यूट दैट इज द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की बट इज नॉट अ प्राइमरी की इज नोन एज ऐसा कैंडिडेट की जिसका पार्ट है कैंडिडेट की का लेकिन उसको प्राइमरी की नहीं बने वन ऑफ द की को हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको हम लोग अल्टरनेट की बोलते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट कैंडिडेट की सुपर की हो गया फाइव का कैंडिडेट की दैट दैट इज अ पार्ट ऑफ कैंडिडेट की बट नॉट इन द प्राइमरी की इज नोन एज Alternate key okay. Five the foreign key in the one table reference the primary key. Another table established is called one to many relationship. Which key unique uniquely identify the record and is used to reference the record in another table? Which key uniquely identifies the record and is used to reference the record in another table? Okay, so. इसके लिए क्या बोलते हैं फॉरन की बोलते हैं फॉरन की जो है रेफरेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं एक टेबल में प्राइमरी की उसी की को दूसरे टेबल में फॉरन की बोल देते हैं ठीक है तो सेवन का सी हो जाएगा विच फॉरन की रेफरेंसेस विच फॉरन की रिफरेंसिस प्राइमरी की इन अनादर टेबल इट क्रिएट्स अच फॉर की रेफरेंसिस प्राइमरी की इन अदर टेबल इट क्रिएट्स अ है ना तो क्या क्रिएट करता है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करता है इनहेरिटेंस नो वन टू मनी रिलेशनशिप विच फॉरन की रिफरेंसिस प्राइमरी की रिकॉर्ड विच टाइप ऑफ की कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज टुगेदर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड करते कौन कंपोजिट की है ना विच टाइप ऑफ की कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एट्रीब्यूट ठीक है मल्टीपल तो तो okay. एट्रीब्यूट तो होता है और यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टुगेदर तो उसको कंपोजिट की बोलते हैं ना एंड इंटिटी कैन हैव मल्टीपल सुपर की बट वनली वनली वन कैंडिडेट की और प्राइमरी की तो प्राइमरी की वनली वन प्राइमरी की ओके की यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन द टेबल एंड इज यूज एज अ मेन की फॉर द डेटा रिट्रेबल ठीक है तो प्राइमरी की होता है इलेवन का प्राइमरी की हो जाएगा मेनी साइड ऑफ द रिलेशनशिप तो मेनी साइड होता है वो फॉरन की होता है ठीक है रिकॉर्ड बट नॉट चूज एन एज अ प्राइमरी की है ना तो कंडेटकी का पार्ट होता है और वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है लेकिन उसको प्राइमरी की नहीं बनाएगा तो उसको अल्टरनेट की बोलते हैं थर्टीन का बी हो जाएगा सुपर की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूजिंग द सिंगल एट्रीब्यूट इज कॉल्ड सुपर की दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द सिंगल आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूजिंग सिंगल एट्रीब्यूट सिंगल की अगर ऐसा सुपर की जिसका सिंगल एट्रीब्यूट उसको सिंपल की भी बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप जंक्शन टेबल इज ऑफेन यूज विथ कंपोजिट की अलोंग कंपोजिट की होता है विच की इज अ कैंडिडेट की दैट हैज बीन सेलेक्टेड एज अ मेन की फॉर द टेबल ऑब्वियसली इट इज अ प्राइमरी की ओके प्राइमरी की अ कैंडिडेट की इज ऑल्सो रिफर्ड एज यूनिक की मिनिम कंडेडेट की इज ऑल्सो रिफर्ड एज यहाँ पे हो जाएगा मिनिमल की मिनिमल की जो कंडेट की रिफर करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टेबल एंड इनफोर्स द इनडिफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑब्वियस बेसिक बात है फॉरेन की हो जाएगा है ना फॉरेन की प्राइमरी की कैन बी ऑल्सो फॉरन की इन द अनदर टेबल एस्टेब्लिश मीनी टू मेनी रिलेशनशिप और One to one to one relationship. One to one relationship. The primary key that consists of two or more attributes is called. Consists of two or more attributes called the compound key. And a compound key. Which type of key is used to uniquely identify the record within the specific domain of context? if specific domain of context. So here pe alternate key hoja. Primary key ho like an alternate key over specific domain of context. Which key is minimal super key?

अल्टरनेट की और प्राइमरी की रिलेशन है मल्टीपल कैंडिडेट की बट वन ऑफ द चूजन एज अ प्राइमरी की और ज दो हुआ नॉट चूज दैट इज अल्टरनेट की दिस इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजन बट वी शुड से द प्राइमरी की बहुत सारा कंडीशन एक को चूज़ करते हैं हम लोग प्राइमरी की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट सेलेक्टेड एज अ प्राइमरी की रिफर टू एज अल्टरनेट की तो कैंडिडेट के सेट ऑफ लिस्ट होते हैं उसमें से अगर जो वाला जो प्राइमरी की नहीं यूज़ करते हैं उसको हम लोग कैंडिडेट की अल्टरनेट की बोलते हैं ठीक है विच की इज इन अ कैंडिडेट की दैट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड बट इन चूज एन एज अ प्राइमरी की विच की इज कैंडिडेटेट की दट इज यूज टू निकली आइडेंटीफाई द रिकॉर्ड बट चूज एन एज अ प्राइमरी की ठीक है चूज एन एज प्राइमरी की तो अल्टरनेट विच की इज कैंडिडेट की दैट इज यूज टू निकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड बट नॉट चूज एनी प्राइमरी की तो अब बेसी बात है अल्टरनेट की हो जाएगा तो की पे मैंने 25 क्वेश्चन बनाया जिसमें कि बहुत सारी रिपोर्टिंग है नया नहीं देना है आप लोगों को सफिशियंट इनफ है तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको डट जाओ जैसे भी हो आप लोग का टाइम स्ट्रेटजी बनाओ यार कि कैसे हम लोग पढ़ेंगे ठीक है तो उसको स्टार्ट करते हैं ठीक है चलो ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय